بسم الله، سب کا بھلا اور سب کی خیر۔ زمین کی ہتھیلی پر اپنی تقدیر کی لکیریں بنانے لگا ہوں۔ کرم کی بارش کرنا میرے مولا، کرم کی بارش کرنا۔ آمین۔ روٹی کھا لے۔ ہاں میرے گھر کی رحمت، میں تو کہنے کا رحمت ہوں پر تو رب کی رحمت ہے۔ فصل انسان کی محنت کا صلہ ہوتی ہے اور اولاد حیاتی کا انعام ہوتی ہے۔ سوچتا ہوں اگر تو نہ ہوئی تو میری روٹی کون پکائے گا اور بستر کون بچھائے گا۔ چلا جا۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ ارے سسرال جانا ہے اور کہاں جانا ہے، جب تم مجھے چھوڑ کے اپنے سسرال جائے گی نا تو مجھے بہت یاد آئے گی بیٹا، بہت یاد آئے گی۔ نہیں نہیں ابا، میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اچھا اچھا، اپنے بھائی راجو کی سنا، وہ کہاں ہے؟ ابا تمہارا لاڈلا روٹی کھا کر گاؤں میں نکل گیا ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جب میری آس کا بوٹا، میری صبح کا تارا ناصر شہر میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے گا، صاحب جی بن جائے گا۔ میں دن رات محنت کر کے ناصر کو پروان چڑھا رہا ہوں اور راجو کی زندگی ناصر سنوارے گا۔ اس وقت تک کر لے راجو جو کر رہا ہے، کر لے۔ کون سی چیز تجھے ٹکنے نہیں دے رہی؟ رئی صاحب، جب بھی کسی قسم کا میوزک بجتا ہے تو میرا انگ انگ پھڑکنے لگتا ہے۔ میں نے تیرے کاغذات چیک کیا ہے، پتہ چلا کہ تو زہرہ بائی کا بچہ ہے، کتے کے بچے۔ جی ابا جی۔ یہ سامنے کیا ہو رہا ہے؟ یہ جی کلندر بندر کا تماشا دکھا رہا ہے اور ساتھ راجو ناچ رہا ہے۔ رئی صاحب، اس بندر کی ہوں ہوں حرکتیں آپ جیسی۔ میں اس گاؤں کا رئیس اور میری اجازت کے بغیر بندر کا تماشا یہاں ہو کیسے سکتا ہے؟ آ جا میرے پیچھے، بند کرو یہ اپنی ڈگ ڈگیاں۔ میرے گاؤں میں مجھ سے پوچھے بغیر تمہیں یہ جانوروں کا مجرا کرنے کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ اپن مسکین بچہ کے لیے روٹی کمانے آیا ہے سائیں، بندر تیرے کو دعائیں دے گا۔ لے بے منشی،
ये जो फिल्मों में और तमाशों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, ये गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हिसाब लगा के ये बता कि ये जो बंदर ग्रुप है, ये मुझे गवर्नमेंट समझ के अगर दे टैक्स तो कितना बनता है? कुत्ते, मैंने तुझे बंदर ग्रुप के टैक्स का कहा है, तू गंजरों के टैक्स का हिसाब लगाने लग पड़ा। मेरे हिसाब से लगता है 5%। यानी तेरा मतलब यह है कि 100 रुपया अगर ये कमाए तो उसमें से 65 हमारे और 35 इन गरीबों के। ओ गरीबो, निकालो हमारा हिस्सा। रईस साहब। हाँ जी। कलंदर नौकर और बंदर मालिक होता है। अच्छा, इसलिए टैक्स आपको कलंदर नहीं बंदर देगा। अच्छा जी जी। और जानवर दिया निकाल हमारे पैसे। बचाओ बचाओ, अब अंदर मेरे पीछे पड़ गया, अब अंदर मेरे पीछे पड़ गया। भाई मर तू, बचाओ बचाओ बचाओ, मर गया। ओ बचाओ बचाओ, अब मैं नहीं लेता मैं टैक्स। ओ भाई बंदर, ओ मेरे मुंह से यूं ही निकल गया मैं गवर्नमेंट हूँ। अबे भाई, ओ गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही होती है। ओ ओ बचाओ राजू। ओ कुत्ते, ओ ओ मैं मर गया। ओ बचाओ बचाओ बचाओ। भाई मेरी सलवार थे, ओ मेरी सलवार ले गया ले गया। तेरा सत्यानाश हो राजू, अब तुझसे निमट नहीं पड़ेगा। साहब, आपने मुझे याद किया है। तुझसे हीर नहीं सुननी, राजू की शिकायत करनी है। क्या किया है राजू ने? क्या किया है उसने, अब तुझे फिर बताना पड़ेगा। उसने एक बंदर से इनकी सलवार उतरा दी, ऊपर से हवेली तक नंगे आए हैं। शुक्र है हवा तेज नहीं चल रही थी। अल्लाह ने बड़ा करम किया जी। कहाँ जी? मुंशी जी, जो कहना था वो कह लिया। कुत्ते के बच्चे, सवेरे से यह खबर आधे गांव को सुना चुका है, अब जाके अखबार में भी छपवा दे। मगर याद रखना, अगर तूने यह खबर अखबार में छपवाई तो मैं तेरे मुंह पे थूक दूंगा। म्याऊं। खानदानी काम न भूली हो तू। उठा उठा इन्हें, उठा इन नोटों को। क्या करूं इनका? राजू को काले पानी भेज दे, और अगर ये नहीं कर सकता तो 4 पैसे ऊपर नीचे करके बेटा बेच दे। रईस साहब, आप ये इसलिए कह रहे हैं कि आपकी अपनी कोई औलाद नहीं है। राजू को ये सोचकर माफ कर दें कि अभी वो बच्चा है। बच्चा? वाह रे बच्चा, आज उस बच्चे का ब्याह कर दो तो 1 साल में 3 बच्चों का बाप बनता है वो। 1 साल में 3 बच्चे? तेरी फूफी के घर भी तो हुए थे। फूफा भी तो 2 थे। राजू को पटा डाल के रख, अगर उसके बारे में तूने थोड़ी सी भी गफलत बरती तो याद रखियो मैं कोई बदनी सा बहाना बना के उसे अंदर करवा दूंगा। नहीं जी रईस साहब, ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं उसे समझाऊंगा। आप उसे मार जा जा। अरे जा अब। अच्छा जी, जा जा। अच्छा मेरा पानी भी बंद कर दिया है अब। तो दिल तो करता है तुझे पकड़ के बंद कर दूं। अरे कोई दिन तो ऐसा चढ़े जिस दिन मैं तेरी शिकायत न सुनूं। तूने किया क्या है रईस के साथ? करना क्या था अब? बस वो बंदर ही पीछे लगाया था उसके। अरे तू क्यों करता है ये लफंगों वाली हरकतें? तू मेरी आंखों के सामने रहकर भी मुझे दुख देता है। मेरा बड़ा बेटा नासिर मेरी आंखों से दूर रहकर भी मुझे सुख देता है। इस वक्त भी वो भागों वाला शहर में मेरी आस का मोती ढूंढने के लिए किताबों के समंदर में डूबा होगा।
क्या पेश आया था? तारीखी वाकया? वो क्या? मैं पैदा हुई थी। ओह, वेरी गुड। इसका मतलब है तेरी सालगिरह नजदीक आ गई है। हाँ, पापा शिरकत के लिए पेरिस से आ रहे हैं। सालगिरह के बाद मैं तेरा जिक्र करूंगी।
ये बात की बात है, पहले ये कहो तोहफा क्या लोगी? तोहफा? हाँ भाई, तेरी सालगिरह का तोहफा। अच्छा, तो फिर एक बड़ा सा डिब्बा लेना, उस पे रंग बिरंगा गुड्डी कागज चढ़ाना, फिर एक रिबन लेना, उससे अपने आप को पैक करना और ऊपर पता क्या लिखाना? You are my heart. नासिर, रुखसार, हमारी कल मुलाकात कहाँ होगी? कल नहीं, परसों। क्यों? कल किससे मिलना है? एक ऐसे रिश्ते को जो मुझे जुनून की हद तक प्यार करता है। राबिया, जूती ले आ मेरी, स्टेशन जाना है और नासिर को फोन करना है। कानों में बेटी की आवाज पड़ती है तो मेरे जिस्म में एक नई जिंदगी सी आ जाती है। ले आ। अब्बा, इस जूती को तो बदल लो, ये तो बहुत पुरानी हो गई। बाप के पाँव में पुरानी जूती हो तो बेटे के पाँव नया बूट पहनते हैं। बस नासिर के साथ बनने की देर है, फिर मेरे, तेरे और राजू के सिवा हर पुरानी चीज की जगह नई चीज आ जाएगी। बस और कुछ ना कहना, मुझे देर हो रही। अब्बा जी। नासिर भाईजान। ओ नासिर बेटा। नासिर भाईजान। मेरी बहन, कैसी? ये ले पकड़। अब्बा जी, आप स्टेशन जाने की तकलीफ से बच गए, मैं आप ही आ गया हूँ। बेटा हो तो तुम्हारे जैसा, खुश रहो। वाह मालिक, औलाद भी क्या चीज अता की है। बेटा नजरों से दूर हो जाए तो कमर टूट जाती है, बेटी नजरों से दूर हो जाए तो आंखों से नूर रुक जाता है। नासिर भाईजान, नासिर भाईजान, आप कब आए? ओ नासिर भाईजान, अपने मैलों के साथ मेरे साफ कपड़े भी गंदे कर दिए। अब्बा जी, इसके कपड़े तो बदलवा दिया करो। इसकी मैं आदतें नहीं बदल सका तो कपड़े कहां से बदलवाऊं? ये कहां का साहब है, जाहिल कमार, कंधा रहने का आदि। इसे छोड़, तू सफर से आया है, चल के आराम कर। अब्बा जी, आपने घर में बिजली क्यों नहीं लगवाई? अभी तेरे बाप ने बिल देने की सकत नहीं है बेटा। तू साफ बन जा तो इस घर को गिरा के एक नया घर बनवा और इतनी लाइटें लगवा के लोग इसे लाइटों वाला घर कहें। या मैं खुद ही बकबक करे जा रहा हूं, कुछ तू भी तो बोल, तू परेशान लगता है। अचानक इसलिए आया अब्बा जी के इंजीनियरिंग का आखिरी साल है, हॉस्टल का खर्चा, इसे और किताबों के लिए 25,000 रुपए चाहिए। सोचने क्यों पड़ गए अब्बा जी? कुछ नहीं, इतने पैसे में। अब्बा जी, पैसे का इंतजाम ना हुआ तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, फिर मैं कुछ नहीं बन सकूंगा, राजू की तरह आप पर एक बोझ बन जाऊंगा। नहीं, मैं तुझे राजू की तरह खोटा सिक्का नहीं बनने दूंगा। तुझे राबिया की डोली उठानी है, आपके सर से बेटी का बोझ उतारना है। बेफिक्र होके सो जा, सो जा।
मैं तेरे लिए पैसों का इंतजाम जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। अरे ओ कुत्ते, हाथ क्यों रोक लिया है? उधर तो देखें। ये क्या है रहमत अली? ये मकान का कागज है रईस साहब, इसे गिरवी रख लें। और क्या करना है पैसा? जी नासिर की पढ़ाई के लिए जरूरत है। और बेटे के दीवाने, बेटे की पढ़ाई के लिए हर शय गिरवी में रख देगा तो बेटी के ब्याह के लिए क्या शय बेचेगा? बेटी नहीं ब्याहनी, उसका ब्याह भी करना है। मेरा काम तो बस उसके लिए अच्छा सा घर ढूंढना है। डोली अपने जवान कंधों पर रखकर नासिर ही रुखसत करेगा। बेटे से इतनी उम्मीदें न रख रहमत अली, आजकल की औलाद बेफैज होती है। सारे जहान की हो सकती है पर मेरा नासिर इस तरह का नहीं है रईस साहब। आप खुद आंखों से देख लेना, जब वो पढ़ लिख कर साहब बन जाएगा ना तो सारा जहान उसे सलाम करेगा। और ठीक है यार, हाँ क्या दूं तेरे मकान का, 4 या 5 हजार? ओ जी 25 हजार। 25 हजार? अरे उस छोटी सी मकाननी का? मेरे नासिर जी इतनी जरूरत है जी। भाई रहमत अली, इतनी ज्यादा रकम देने के लिए मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है रईस साहब? तेरे मकान के साथ तेरा राजू मेरे पास गिरवी रहेगा। राजू? दिल की हरकत क्यों बंद हो गई? जब तक तू अपना मकान मुझसे नहीं छुड़ा लेता, राजू मेरे पास नौकर बन के रहेगा। ठीक है रईस साहब, बड़े के बड़ा बनने में छोटे का हिस्सा भी पड़ जाएगा। मुंशी जी। सरकार। दे यार इसको 25 हजार रुपया और कोरे कागज पे अंगूठा लगवा ले इसका। कहाँ रह गए अब्बा? पैसों का इंतजाम हो गया? बेटा मांगे बात आए तो खाली हाथ किस तरह आ सकता है? ले पैसे। बड़ी मेहरबानी अब्बा। अरे बेटा प्यार तो लेता जा, अपनी दुआओं के साथ भेज देना अब्बा जी। मंजिल पर पहुंचने की कितनी जल्दी है इसे, कहीं ये हमें पीछे ही ना छोड़ जाए। अब्बा, अब्बा। ओह क्या बात है? मुझे एक बात बता, मैं तुझे कूड़े के ढेर से मिला था या तेरे घर पैदा हुआ था? पूछ कर क्या बकवास कर रहा है, कहना क्या चाहता है तू? मैं पूछता हूँ, तेरा बड़ा बेटा राजा भोज और मैं गंगू तेली हूँ, उसकी जेब में 25 हजार रुपए डालकर उसके बदले मुझे गिरवी रखा है? मैं पूछता हूँ अब्बा कि बाप बेटे को गिरवी रखते वक्त बाप का दिल कहां छोड़ गया था? दिल दिल ही की जगह है राजू, रईस ने एक शर्त रखी थी, इसलिए मकान के साथ तुम्हें भी लिख करते आया। और तुम फिक्र ना करो, नासिर जब भी बड़ा आदमी बनेगा और जिस वक्त वो अपनी जिंदगी की किताब लिखेगा उसमें तुम्हारा नाम भी मोटे मोटे लफ्जों से लिखा जाएगा। हाँ। खोटे सिक्कों का किसी किताब में जिक्र नहीं किया जाता पा। मैं पत्थर की हवेली में गिरवी नहीं पड़ूंगा। ऐसा ना कह बेटा, वरना रईस पैसे वापस मांग लेगा। मांग ले पैसे, मुझे क्या? वो ना कर यार, ना कर, वरना नासिर की मंजिल दूर हो जाएगी। मुझे किसी की मंजिल से क्या, मेरे आगे तो खुद रास्ता नहीं।
तू हवेली नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा हवेली। राजू तू वो पत्थर है जिसमें जोक नहीं लगती, वो तिल है जिसमें तेल नहीं, ना पड़ गिर भी। अगर बेटा गिर भी नहीं पड़ सकता तो बाप जाकर गिर भी पड़ेगा। जाबा, बाप गिर भी पड़ेगा, बाप गिर भी पड़ेगा, यही गर्दान करता जाएगा। तू तो बिल्कुल सफिया गया है बाप, मेरे तो गांव में पहले कोई इज्जत नहीं। तू और दर्शन करना चाहता है करा ले, तू रहो मैं चलता हूं। बाप के साथ अटखेलियां करता है सुसरी का। अरे तेरा सत्यानाश, अरे 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 अरे, अरे ये क्या कर दिया? रईस साहब के दीवान पे बैठ गया हो? अरे ये तो सिर्फ उसके दीवान पर ही बैठा हूं, बड़ी जल्दी उसकी छाती पर भी बैठ जाऊंगा। रोटी लेके आओ। बाप की मंगनी पे आए हो? मेरे बाप की रिश्ता तूने अपने खानदान में से ढूंढा है? अबे रोटी लेके आ। हाँ। रोटी लाओ रे। लाओ बहन जी। मुड़ मुड़ ऊपर देख, और ऊपर ही देखते रहना जब तक मैं रोटी नहीं खा लेता। ये क्या हो रहा है यहाँ कुत्ते के बच्चे? और चूसो, डाल लिया है गिरवी, रख लिया है नौकर। बड़ी बड़ी बातों पर नुक्ताचीनी नहीं की जाती। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ? रोटी खा रहा हूँ। रोटी खाए जा बच्चे, मैं तेरी दावत भी करूंगा। चल चल चल, पानी लेके आ। पानी लेके आ? अरे पानी लेके आ न। मैं ये पूछता हूं ये मेरे खानदानी दीवान पर तुझे बैठने की जरूरत कैसे हुई? तुमने मुझे गिरवी रख के जहर किया है, अब मैं तुम्हारे पेश पड़ गया हूं। मैं तुम्हारी रोटी भी खाऊंगा और तुम्हें भी खा जाऊंगा। ऐसी हरकत ना करना जिससे हम बेइज्जत हो जाएं, ये बहुत बुरी चीज है। कुत्ते के बच्चे मुझे पहले बताना था, आज तो बाल बाल बच गए हैं, किसी से कुछ लिया ही काम आ गया है। हेलो बेटी। हेलो अंकल। सालगिरह मुबारक। थैंक यू। बैठे ना। थैंक यू बेटी। ये उधर रखो। नासिर, नासिर कमाल है, इतनी लेट। मैं तो मायूस हो गई थी। आई एम सॉरी, थोड़ी देर हो गई। तुम्हारा तोहफा ढूंढा था और ये रहा तुम्हारा तोहफा। तोहफा? मेरा तोहफा तो तेरा प्यार है। पर तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? डैडी वो आ गए। डैडी ये नासिर है। सर। हेलो मिस्टर दाऊद। कमाल सेठ, मेरा शिप टूटना शुरू हो गया है, मगर फाउंड्री के लिए शिकायत की तेरी तरफ से कोई ऑफर नहीं आई।
दाऊद तू तो जानता है कि मैं लाइन में लगकर बिजनेस नहीं करता। स्क्रैप उसको दे दे जिसे दौलत की जरूरत है। हाँ रुखसत बेटी आओ केक काटो और सबको रुखसत करो, बड़ी देर हो गई है, सारे इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके डैडी। नासिर चला आ ना। सारी रात
मैं सारी रात जागती रही, मैं सारी रात जागती रही। रुखसार बेटी। जी डैडी। बेटी, ये 10 लाख रुपए का चेक तेरी सालग्रह का तोहफा, इसे अपने अकाउंट में जमा करा देना। थैंक यू डैडी। नो थैंक्स। नो। कमाल सेठ की बेटी के लिए तोहफा और छोटा है। नासिर, मैं जानती हूँ तुम्हें डैडी का ये रवैया अच्छा नहीं लगा। डैडी पहली मुलाकात में परखते हैं, दूसरी मुलाकात में गुफ्तगू करते हैं, ये इनका स्टाइल है। ओके रुखसार, तेरे लिए दूसरी मुलाकात का इंतजार कर लेता हूँ। ओके करना। ओके बाय बाय। उसके बाद मुंह से टेबल को साफ कर। अच्छा जी, दफा हो जाए, सोफे को भी साफ कर। सारे काम एक ही दफा कराया जाए। क्या बकवास कर रहा है, 25-25 रोटियां खा जाता है। अरे बल्ले मैं खाता हूँ। अरे मर जा रहे, कौन रे? अरे राजू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए बिच्छू की मूछ वाले, जूती पकड़ा। यार मुंशी, ये सफाइयां कैसी हो रही है? अरे रईस साहब की भतीजी आ रही है। जेल से आ रही है? नहीं रे, शहर से। मुंह जोर अड़ियल मगरूर और हवा को तलवारें मारती है। अच्छा? और नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। यार ये आ कब रही है? कम इसी वक्त। आए मैं मर गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी भतीजी आएगी। हाय अंकल। कुत्ते के बच्चे, गाड़ी में से सामान निकालना, जद आओ। और भतीजी सुना, राह में कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हुई? अंकल, ये गांव है ये गटर, बड़ी सख्त बू आ रही है। मुंशी, ये बदबू किसने छोड़ी? तुझे कहा भी था कि पूरा ट्रक भर के खुशबूयात का स्प्रे कर गाँव में। कहाँ से? अंकल, ये बदतमीज कौन है? ये हमारे बुजुर्गों की गलती है बेटा, इसकी माँ हमारे बड़ों के यहाँ नौकरी करती थी, उस लिहाज से ये हमारा भाई लगता है कुत्ता, इसी वास्ते फेरी भी है। अंकल, आप ये गांव गिरा क्यों नहीं देते? गांव गिरवा के तो आप मलबे पर बैठेंगे। नहीं, यहाँ टाउन बनाए, मॉडल टाउन। ले बीबी जी। नीचे फेंक। सुना नहीं, नीचे फेंक। को किसी गरीब के मेले हाथ लग जाए वो मेरे लिए बेकार हो जाती है। आओ आओ बेटा जी, आओ। आ गया जी। और कुत्ते के बच्चे, तू तो पीछे मरा कर। बेटा जी कहाँ रह गए हो? आओ 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 मेरा बेटा। वेरी नाइस। वाह अंकल, आपकी हवेली तो बहुत खूबसूरत है। मेरा बेटा। अंकल, ये केला आपने खाया है? अभी तक वही याद है। और बकवास न कर। ये क्या बदतमीजी है, ये सूखा केला कहाँ से आया है? पता नहीं किसने मारा, किसने मारा ये? है किसने किसने? ब्रांड नेम, अगर तूने मुझे अंग्रेजी में गाली दी तो फिर मैं तुझे उर्दू में ऐसी ऐसी गाली निकालूंगा कि तू कानों पर हाथ रख लेगी। तेरा चाचा मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। ओए, तूने बताया नहीं इसको मेरे बारे में? अंकल, ये जानवर कौन है? बेटा, इसका तफसीली तारुफ मैं तुम्हें बाद में करवाऊंगा। मेरा बेटा, जाओ ऊपर जाके अपने कमरे में आराम करो। अब कुत्ते देख रहा है मेहमान आए हैं। चलो जी। हाय अम्मी जी। मेरा बेटा, क्या
जाओ मेरा बेटा और मुसल्ली ले जाए इन्हें। और राजू, जब तक मेरी भतीजी इस घर में है तू यहां नहीं आएगा। दादी दादी, पहले तो मैं जुमे का नगा करता था, अब वो भी नहीं करूंगा। और तू यहां नहीं आएगा, ये मेरा हुक्म है। मैं यहां आऊंगा, ये मेरा हुक्म है। क्या कहता रे? कुछ नहीं बेटा, अल्लाह से पाए कोई कमजोर भी ना हो। गुड मॉर्निंग अंकल। मेरी तरफ से भी यही कुछ है बेटा। बैठो बैठो मेरा बेटा। बेटा ये देसी घी के पराठे और ये देसी अंडे मेरी बच्ची का इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार कोई नहीं कर रहा चाचा जी। मेरा मतलब है कि चौकीदार ने भी तो नाश्ता करना होता है ना चाचा जी। मुसलमान हमेशा इकट्ठे खाते हैं। ओ यार, मेरी भतीजी अलहदगी पसंद है, अकेली रह जाएगी। भाई साहब, और अब क्या कहता है? और ये सात माह की बांदरी, मैं मतलब आपकी भतीजी, कहीं पागल तो नहीं? नहीं। तो फिर उसे क्या चीज नहीं टिकने देती? इसे दौलत की तपिश है। गरीब आदमी इसकी जिस शय को भी हाथ लगाए ये वो शय जाया कर देती है। बचना इसके हाथों। वाह जी वाह, किस कदर मजबूत इरादे हैं आपकी भतीजी के। कोई उसकी चीज को हाथ लगा दे तो वो उसे जाया कर देती है। बड़ी तक बू आ रही है। लगता है आपको काफी बू आ रही है, लेकिन मुझे नहीं आ रही। तुम्हारी नाक बंद हो गई है, सूंघने की हिट मर चुकी है। पता नहीं तुम लोग इस बदबूदार जगह पर जिंदगी किस तरह गुजार रहे हो। ओ बीबी, हालांकि आपके अंकल से इससे ज्यादा बू आती है, वो मरे खरगोश खाते हैं। अरे हट गंदी मुझ। ओ छोटी बीबी, आप अमीर लोग 5% जिंदगी गुजारते हैं और 95% जिंदगी आपको गुजारती है। नहीं साहब, आपकी जूतियाँ तो बहुत खूबसूरत है, हम आपकी जूतियों को हाथ लगा के देखेंगे। बकवास मन करो, दूर रहो, मेरी जूतियों को अपने गंदे हाथ ना लगाना, नहीं तो मैं तुम्हारे सर पर इतनी मारूंगी कि नहीं 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 नहीं। बदतमीज दलील। वाह वाह जी वाह, क्या मेरी और क्या गरूर। मैंने इसी प्लेट को हाथ लगाया तो इसने प्लेट तोड़ दी। छोटे बच्चों ने इसकी जूती को हाथ लगाया तो इसने जूती फेंक दी। मुंशी जी, जी राजू जी, अगर कोई इसके बालों को हाथ लगाए तो फिर ये बाल काट के फेंक देगी। अगर कोई इसकी गर्दन को हाथ लगाए तो फिर ये गर्दन काट के फेंक देगी। अगर कोई इसके कपड़ों को हाथ लगाए तो फिर ये कपड़े उतार के नहीं नहीं नहीं, खबरदार है इसके कपड़ों को हाथ ना लगाना। मैं तो फिर हाथ लगाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं ये मंजर नहीं देख सकता। अम्मी जी, Don't touch me! 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 Don't touch me!
तुझे दौलत का इतना गरूर है कि गरीब से नफरत करती है। ब्रांड नेम, अगर तूने मुझे अंग्रेजी में गाली दी तो फिर मैं तुझे उर्दू में ऐसी ऐसी गाली निकालूंगा कि तू कानों पर हाथ रख लेगी। अगर कोई इसके कपड़ों को हाथ लगाए तो फिर ओ यार मुझे पत्थर लगा है। सोया अब्बा, आप तेरी उम्र रोड़े खाने की नहीं है। और बकवास न कर। कौन है भाई? क्या पत्थर लगा है? नहीं अब्बा। हाँ बेटा, मेरी तो नहीं पर तेरी तो उम्र है ना पत्थर खाने वाली। सो जा। कहाँ जा रहा है? पानी पीने जा रहा हूँ अब्बा। अच्छा जा। जाऊँ? क्या घड़ा तोड़ दिया? कच्चा था अब्बा। हाँ यहाँ से ही सो जा। अब्बा मेरा ख्याल है कि मैं कुएं से जाकर पानी पिया हूं। ठीक है, ऐसा कर ग्लास साथ ले जा, खुद भी पिया और मेरे लिए भी ले आ। ठीक है बाबा। हमारे जमाने में ना पत्थर आते थे ना घड़े टूटते थे। अजीब वक्त आ गया। अल्लाह हैरान करे, अल्लाह हैरान करे। पत्थर का बुत किसने मोल किया है? तेरे प्यार की नजर में। इतनी जल्दी असर कर गई है? जिनों के फासले अगर ना मिटे तो सदियों से नहीं मिटते, और अगर मिटने पे आए तो कल नहीं लगता। सच? हाँ। Thank you.
नहीं, उनके हाथों पे कई इंसानों का खून तो नहीं, लेकिन एक ऐसी हैबत है जो इंसान में दौलत पैदा करती है। ओफो, पर गुफ्तगू का अंजाम क्या हुआ? वो तुझे मिलना चाहते हैं। कब? ठीक कल 5 बजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मेरा नाम नासिर है। मुझे तेरा ही इंतजार था। रुखसार ने तेरा जिक्र किया था। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद क्या बनना चाहते हो? जी, आप जैसा। मेरी बेटी के साथ तेरा नाम आए तो मेरी दौलत, मेरी जायदाद और मेरे नाम की ताकत से तू मेरे जैसा बन सकता है, लेकिन बामुराद होने के लिए एक शर्त है। वो क्या सर? मेरी मां मेरे बाप के खानदान में बाहर से आई थी। उसके ससुराल में रिश्तों का कोहराम था, उनकी जबानें तलवार थीं और जबान का जाम तलवार के जाम से बहुत गहरा होता है। जख्मों की सौगात लेकर मेरी मां खुदा को प्यारी हो गई। मैंने अपनी बहन की शादी की, उसके ससुराल में भी रिश्तों का एक अंबार था। रिश्तों के हसद, लालच, खुदगर्जी, तानों और तोहमतों ने उसका सांस लेना मुश्किल कर दिया। मेरी बहन ने उनसे निजात हासिल करने के लिए खुदकुशी कर ली। उसके बाद
मैंने रिश्तेदारों पर सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब मैं हूं और मेरी बेटी। तेरे पीछे भी रिश्तों की एक लंबी कतार होगी और उस कतार में जाकर मेरी नाजों से पली बेटी अपनी शनाख्त खो दे, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी रुखसार तेरे मुकदर का सितारा नहीं बन सकती। सर, एक सच आपने कहा है तो एक सच मुझसे भी सुन लीजिए। ये मेरी बदकिस्मती है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बिस्मिल्लाह अब्बा, घर में ही ठोकरे खाने लग पड़े हो और फिर साथ दूध भी गिरा दिया है, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं बेटा, लगता है किसी ने मेरा नाम लिख के रूठ बोला है या किसी एहसान फरामोश के मुंह से कोई बददुआ निकली है। वो कौन हो सकता है अब्बा? वो जो भी है, मेरी दुआ है कि खुदा उसके मन की मुराद पूरी करे। सर, क्या सोच रही है? सोच रही हूँ ये कैसी शादी है, ना बारात आई ना रुखसती हुई, एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में आ गई, ना सास का इस्तकबाल ना ससुर का प्यार, ना देवर की छेड़छाड़ ना ही ननन का प्यार, कुछ भी तो नहीं मिला। तो इन रिश्तों की कमी महसूस कर रही है? शिद्दत से। फिर सोचती हूँ अगर ये सारे रिश्ते होते तो डैडी की तरफ से इनकार होता और मैं तुम्हारी बीवी ना होती। हाँ, तू ठीक कहती है। रुखसार। नासिर। ये तो फिल्म ही रंगा चलने लग पड़ी है। चलो कैदो भी तो घर ही का है, चल के उसकी गैरत को जगा। क्या बकवास कर रहा है? अगर ये झूठ हुआ तो मैं तेरा सर उड़ा दूंगा, अगर सच हुआ तो मैं राजू को गोली मार दूंगा। तो फिर मार दे गोली ताकि इस बदनामी का सारी दुनिया को पता लग जाए। ये तो काम और खराब हो जाएगा। कुत्ते। जी अब्बा जान। मुझे अब्बा ना कहा कर, तेरा बाप कसाई के फट्टे के नीचे सोया रहता है, मुझे बता मैं क्या करूं? तो फिर चुप चुपाके की गोली खा के बर्दाश्त करूं? जो हम भी बर्दाश्त कर जाएं, तो फिर हम काहे के जागीरदार हुए? मेरी एक बात सुन, जैसे जमीन और आसमान कभी नहीं मिल सकते, उसी तरह मखमल में टाट का पैबंद कभी नहीं लग सकता। और कुत्ते, सारी गैरत की बातें मैं ही किए जा रहा हूँ, तू कोई मशवरा नहीं दे रहा? तो फिर ये मैला सा काम मेरी तरफ करे। चुम्मा नहीं लेना, मेरी कमजोरी है। चलो मुझे भी पता लग गया है। क्या हुआ है अंकल, मेरा सामान क्यों बाहर रख दिया है? बेटा फौरन शहर पहुंच। क्यों अंकल? बेटे तेरी माँ बीमार है। क्या हुआ है मम्मी को? टेलीफोन आया है बेटा, उसको हार्ट अटैक हो गया है। सबर बेटा सबर, अल्लाह तेरी माँ को जिंदगी देगा। मुंशी जी,
ये सामान उठवा के गाड़ी में रखवा। मैं गया जी, उठाओ सामान। अच्छा जी बेटा, मेरी इस टाइम कुछ शुगर बढ़ गई है, तू अपनी माँ के पास चल और मैं शुगर चेक करवा के तेरे पीछे ही आता हूँ। हौसला कर, अल्लाह तुझे मेरी जिंदगी लगा दे। जा मेरा बेटा, जा जा मेरा बच्चा, जा। शुगर कुछ कम हुई है? भतीजी का कर्जा तो निकाल दिया है और अब मैं भरूंगा राजू का घूंट। तो ही लगे कुत्ते के बच्चे। हर अमीर आदमी के अंदर एक कैदो होता है और मेरे अंदर है दो। बच्चा। बाबा जी, आपने मुझे आवाज दी है। बच्चा जी, अपा जी। कथे के बच्चे, अपने काम से काम रख। ये किस तरफ हमें लगा रहा है? बाबा जी, आपने मुझे बुलाया है। दो साल बाद यहाँ से गुजर हुआ है, तुझे देखा तो तेरे पर प्यार आ गया है। बच्चा, हम पर शक न कर, मुठ रख अपने दिल की कोई मुराद बोल। बच्चा, मुराद पूरी हो जाएगी? अगर जायज हुई तो जरूर पूरी होगी। बाबा जी, मेरे दिल की मुराद ये है कि मेरे अब्बा जी मुझसे खुश नहीं है। दुआ करो कि मैं उनके दिल में घर कर जाऊं। तू अपने बाप के दिल में घर करना चाहता है तो अपने बाप की दूसरी शादी करवा दे, ताकि उसका ध्यान भी किसी और जानिब लगे। और फिर तू बच्चा जा, और जाके मौज न कर। ठीक है, कह रहे हैं। केले ये चक्कर साईं जी, मेरे वास्ते पकड़ दो हरे हरे केले और इस बच्चे को शरबते अमृत का प्याला तैयार करके दे। तो हुक्म मेरे बाबा। ये लो बाबा जी, पकड़े प्याला अमृत का। जीते रहो बच्चा, जीते रहो। ले बच्चा, ये है अमृत का प्याला, इसको गटागट करके एक ही सांस में पी जा मेरा बच्चा। बच्चा, बाबा कौन सी उम्र में भिगो दिया है? फिक्र न करो बाबा जी, मैं सुखा लूंगा, कई दफा सुखाया है। बाबे, बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबे हाँ, ये मुझे तुमने क्या पिला दिया है? मेरे सीने में आग सी लग गई है। ये आग खुद आप लगाई है बच्चा। अब नाक की सेध अपने घर जा और अपने बाप पे चमक जा, उससे जाकर कहे अब्बा मेरा हो जा। और मुड़कर पीछे ना देखना बच्चा, नहीं तो बाबे जैसा हो जाएगा। बाबे, बड़ी मेहरबानी, बड़ा तुम्हारा डब्बे जैसा मुंह है। अच्छा अभी बाबे, बात ये है कि अब मैं चलता हूं। इक्कर बाबा जी, रही साहब, कल का बच्चा आपको फुल नंगा कर गया है, नीचे से नहीं ऊपर से। तेरा पेड़ा कर जाए, इस बच्चे को अब साथ हूं माफ है, इसलिए कि इसको अब ऊंच नीच की होश ही कोई नहीं। भाई रहमत अली, गरीब होना कोई जुर्म नहीं, घर में चाहत, इंसानियत और शराफत होनी चाहिए। और माशाल्लाह इस घर में तीनों चीजें हैं, इसकी गवाही सारे गांव ने दी है। भाई जी, हमारा बेटा सरकारी नौकर है, हमें जहेज नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी दे दे, मैं उसकी सास नहीं
माँ बनूंगी, आपकी बेटी राज करेगी। सोच क्या रहे, किसी से मशवरा करना है क्या? ये सारे मशवरे मैं अपने बड़े बेटे के साथ ही करता हूँ, पर वो शहर है, लेकिन जो मुझे मंजूर है वही उसको भी मंजूर है। बाय। ये रिश्ता तुझे और तेरे बड़े बेटे को तो मंजूर है ना बा? मैं तो तेरा कुछ भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता लाबा। मेरे साथ तो तेरा कोई मसला नहीं, तो फिर सुन सुन लाबा, मुझे अपनी बहन के लिए ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्या शख्सियत है, कौन हो तुम जिनको मैं नहीं जानता, उनको बहन कैसे दे दूं? क्या पता तुम कौन हो, चोर डाकू लुच्चे लफंगे तलंगे हो? शुक्र है वक्त से पहले पता चल गया है कौन है। तुम्हारी जिस शराफत और इंसानियत की गवाही दी थी वो झूठी थी। बाप के सफेद बाल ढोंग है, जिस खानदान का बेटा बदतमीज हमारा और शराबी हो उसकी बेटी का किरदार क्या होगा? तूने मेरी बहन की बुराई की है, निकल जा यहां से, निकल जाओ, तबाह हो जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। कर आया है उसने तेरी बहन के सुहाग का जोड़ा जला दिया है, इसके शगन की मेहंदी डाली में बहा दी है, और मेरे लिए तो अकेला नासेर ही काफी था, तू मेरे घर क्यों खड़ा हो गया? अरे जवान बहनों के भाइयों की हाथ मस्जिद और किरदार नमाजी होता है, तू कहां से शराबी बन गया? बोल तू कहां से शराबी बन गया? तुझे इस हालत में देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मौत क्यों नहीं आ गई? मौत क्यों नहीं आ गई? छोड़ दे मुझे। नहीं अबा नहीं, राजू को माफ कर दे। नहीं राबिया, अगर ये इस घर में रह गया तो यहाँ बुरी खबरों का घेरा रहेगा, न तू डोली चढ़ के रो सकेगी, न मैं दरवाजे से लग के रो सकूंगा। अरे मेरे माथे के काले, मेरे नसीब में लिखे हुए बदनसीब, तू मेरे दिल से तो जा ही चुका है, जा इस घर से भी चला जा, इस गांव से चला जा, जा जा दफा हो जा यहां से, चला जा, चला जा। बेटा ना हो तो मां रोती है, हो के बिगड़ जाए तो बाप रोता है। मालिक औलाद दे तो उन्हें नेक हिदायत भी दे, बुरी औलाद से तो बंदा औलाद अच्छा, बे औलाद अच्छा, बे औलाद अच्छा। रहमान, रहमान, रहमान! जी छोटे दीदी। मम्मी किस अस्पताल में है, उनकी हालत कैसी है? प्राइवेट रूम में है या इंतजामी के दायित्व के यूनिट में? ये क्या कह रही है छोटी दीदी? तूने कानों में रूई ठोंसी है या बहरा हो गया? तुझे सुनाई नहीं देता? बबी बेटे, मम्मी, 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 क्या हुआ बेटा? मम्मी आप घर आ गई हैं? मैं गई कहाँ थी? आप हॉस्पिटल नहीं गई? हॉस्पिटल नहीं? नहीं तो फिर अंकल ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आप हॉस्पिटल में हैं? मैं सारे रास्ते इतनी परेशान नहीं हूँ कि मैं ही जानती हूँ। बेटे उसने तेरे साथ मजाक किया होगा, तू जाकर आराम कर, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ कि उसने तुझे डिस्टर्ब क्यों किया। जा। ओ मम्मी।
अंकल को कहीं मेरे और राजू के प्यार का पता तो नहीं लग गया? ओ माँ, क्या सोचता होगा राजू? बताया कि मैं तेरे शहर में हूँ। तेरे दिल से मेरे दिल तक एक रिश्ता है, इस पे सफर करके खबर मेरे तक पहुंच जाती। Thank you.
के टुकड़े किस मकान पे नजर लगा के बैठे हो? ढाने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए। साक्षी, मेरी शक्ल देखें, मैं ऐसा लगता हूँ भाई? आजकल शहर के अंदर शक्लें मोमना और करतूते काफरा बड़ी आम है। तौबा तौबा भाई साहब, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। चल उठ, मैं साबित करूंगा कि तू चोर है। चल बे थाने। ये 100 रुपए आपका है? मैं थाने नहीं जाऊंगा। अरे अरे, इसका पीछा करो। अकबर असलम, लाइट ऑन करो। नासिर, इस चोर को पकड़े रखना। मैं अभी फोन करके पुलिस को बुलाती हूँ और इस कमीने को जेल भिजवाती हूँ। नहीं रुखसार, शायद गुर्बत ने इसे चोरी करने पे मजबूर कर दिया। क्यों रे चोर, कितने पैसों के साथ तेरी जरूरत पूरी हो सकती है कि तू अपनी दुनिया में वापस चला जाए? ये ना कहें सर, पैसे देकर इस चोर का हौसला ना बढ़ाएं सर। मैं चोर नहीं साक्षी, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। हमसे भागकर यहाँ ईद मिलने आए थे। ये तेरे बाप का घर है या साहब जी तेरे भाई लगते हैं? नहीं, हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। इसका साहब पता नहीं कौन हमारा जली चोर है। ए, कौन है तू? कहाँ से आया? यहाँ कोई तेरा रिश्तेदार है? हाँ, घड़ी पहले बहुत कुछ था, अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। मेरे साथ चलो, तेरे जैसे लवारसों के वारिस हम होते हैं। खुदा हाफिज़ जी। अब्बा जी ने राजू को क्या बना दिया है? अब्बा, राजू बुरा था और तुमने उसे घर से निकाल दिया।
अब दरवाजे को देख देख के क्यों आहें भरते हो? बुरे का ही तो दुख होता है राबिया, छोटा सिक्का है वो, बाजार में भी नहीं चलेगा, घर से क्या गया है, जीना मुश्किल कर गया है। अगर वो दुनिया के मेले में खो गया तो मरना मुश्किल हो जाएगा मेरा। न जाने वो बेईमान किस हाल में। उठ बेसाले, ड्रामा ना कर। ये कुछ मन है कि नहीं? सर हमने इसे सारी रात से ट्रॉल की है, मगर ये माखा दीना एक ही रट लगाता है, मैं चोर नहीं। अगर हम इसकी नकारदा चोरियां कबूल न करवा सके तो हम काहे के पुलिस वाले हैं? ले चलो इसे ड्राइंग रूम में और उल्टा लटका दो, मैं इसे सीधा करूंगा। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए इसका जमानतनामा। बशीर, इसे जरूरी कार्रवाई करने के बाद छोड़ दो। खुशकिस्मत है तू, ड्राइंग रूम की सैर करने से बच गया है। साहब जी, इस शहर में तो भाई भाई से आंखें फेर लेता है। आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। आपके दिल में मेरे लिए खुदा तरसी किस तरह पैदा हो गई? तेरी जमानत मैंने नहीं, सैयद नासम ने करवाई है, जिसके घर से तू पकड़ा गया था। और हाँ, तेरे लिए ये पैसे भी सैयद नासम ने भेजे हैं, शुक्रिया अदा करना है तो जाके उनका करो। वकील साहब, आपका कोई भाई है? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं। फिर ये लो, इन पैसों से कोई भाई खरीद लेना, कोई भाई खरीद लेना। ये क्या कह रहे हो वकील साहब? मैं ठीक कह रहा हूं, आपका कोई भाई है? भाई नहीं, मेरा कोई भाई नहीं। इस पैसे से भाई खरीद लेना। ये पैसे देकर वो चोर मुझे यही कह गया था। खुदा हाफिज। बताऊं बॉबी, नासिर ने चोर को इतना मारा उसकी याद ही करेगा। उस बदबख्त की किस्मत ही बुरी होगी, किस तरह के लोग। नासिर, हेलो। नासिर, मैं अपनी सहेली को राखी वारदात सुना रही थी। मेरा ख्याल है पुलिस ने उस मुजरिम को जेल भेज दिया होगा। हाँ शायद। नासिर, लगता है वो चोर किसी बुरी बाप की बुरी औलाद होगा। जरूरी नहीं, हो सकता है बाप अच्छा हो और बेटा बुरा निकल आया। जान मैं नहीं मानती, शरीफों के बच्चे शरीफ और चोरों के बच्चे चोर होते हैं। ये मौजू तब्दील नहीं हो सकता। जान, रात से मेरे जहन पर चोर ही सवार है। अच्छा बाबा, फिर मैं ही चलता हूँ। सुल्तान, तू बहुत लकी है, तूने जो चाहा तुझे मिल गया। तुझे भी तो किसी से प्यार हुआ था, वो गुलफाम कहाँ है, हमसे नहीं मिलवाओगी? मिला दूंगी, पहले खुद तो मिलूं। हाय, पता नहीं वो कहाँ होगा। Thank you.
अंदर आइए मैडम, अभी बताते हैं। ये क्या बदतमीजी है, क्या मेरा ब्रीफकेस? उधर मर। इस शहर में तो शरीफों को चोर समझ के मारने का दस्तूर है, आप इनका क्या चुराया? मैं चोर नहीं, इन बदमाशों ने मेरा ब्रीफकेस छीन लिया है। तो फिर आप घबराए ना माजी, शरीफ से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। ये आपका ब्रीफकेस भी वापस करेंगे और आपसे की हुई ज्यादती की माफी भी मांगेंगे। इसकी टांगे बाजू तोड़ दो रे। नहीं नहीं ये ले माजी। परेशान लग रही हैं? हाँ बेटी, आज अल्लाह मदद ना करता तो तूने बहुत बुरी खबर सुननी थी। क्या मतलब? मैं बैंक से कैश लेके निकली तो गुंडों ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो कैश छीनना चाहते थे। इतने में एक नौजवान फरिश्ता बन के आ गया। वो बेचारा खुद तो जख्मी हो गया मगर मुझे खराश नहीं आने दी। वो कहाँ है? इस वक्त गेस्ट रूम में है। परदेसी है बेचारा, मैं उसे साथ ही ले आई थी। जख्म ठीक हो जाएगा तो चला जाएगा। फिर तो शुक्रिया की दौलत उसका हक है, मैं उसका शुक्रिया जरूर अदा करूंगी। आपने अपनी जान की परवाह ना करके मेरी मम्मी की जान बचाई है, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आ रही हूँ। राजू बॉबी, मम्मी ये राजू है, अंकल के गांव के एक किसान का बेटा। और मैं बॉबी, तूने आज तक जो मांगा है मैंने दिया है, जो कहा है सुना है, जो मनवाया है माना है, ये सच है ना? जी मम्मी। अगर माँ आज कहे कि राजू को भूल जा। कोशिश करूंगी। अगर माँ कहे कि तू उसकी सूरत नहीं देखेगी। नहीं देखूंगी, सारी जिंदगी आंखें बंद करके गुजार दूंगी। अगर मां कहे ये पिस्तौल पकड़ और इसे गोली मार दे तो फिर? मैं इसको गोली नहीं मार सकती, पर अपने आप को गोली जरूर मार लूंगी। और अगर ये मां कहे इसके साथ शादी कर ले तो कर लूंगी।
आई लव यू मम्मी। तुम दोनों एक दूसरे की किस्मत की लकीरें हो और मां तकदीर के फैसले बदल नहीं सकती। बॉबी, तू इसका देहाती रूप शहर के रूप में रंग दे, मैं इसे दामाद बना दूंगी। दामाद या घर दामाद? घर दामाद। घर दामाद वो बनते हैं जिनके अपने कोई नहीं होते, या अपनों को अपना कहते शर्म आती है। मेरा एक बाप है जो मेरी पहचान है, एक बहन है जो मेरी जान है। मैं उन दोनों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बीवी मेरे घर आएगी, मैं बीवी के घर नहीं जाऊंगा। और जो बाप का रंग छोड़कर बीवी का रंग अपना ले, उसे हमारे देहाती मर्द नहीं कहते। शाबाश बेटा, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूं वहां अक्सर लोग अपनी बीवी की दौलत पे खड़े होकर अपने आप को कदावर कहलाते हैं। तेरी इस सोच ने नफी करके अपने सामने मेरा सर अकीदत के साथ झुका लिया है। मैं तेरे कुछ बन के आने का इंतजार करूंगी। ओ राजू, तूने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। Thank you.
रहमत अली मुझे तरस न दिलवा। किस्सा मुख्तसर यह है कि इस घर से तेरा दाना पानी गया है बिल्कुल उठ। कहां जा गिरा है मेरा दाना पानी? ये तो मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि कर्जा वापस करने की जो मोहलत उन्हें मांगी थी वो हो गई है खत्म, और डिग्री मैं ले आया हूं और साथ लाया हूं पुलिस, और पुलिस जो है ये बड़े खर्चे करवाती है, रास्ता बड़े जाने या वास्ता बड़े जाने। और मैं तुझे ये बताने आया हूं कि तेरे मुकद्दर का सितारा तुझे आप चीख चीख कर कह रहा कि इस घर से अपनी बेटी का हाथ पकड़ और निकल जा बाहर। एक साथ मोहलत खत्म हुई है, मैं तो नहीं खत्म हुआ। बस नासिर को नौकरी मिलते ही मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। ओ बाबा तेरी तो मारी गई है मत। मैंने 2.5 लाख रुपया रिश्वत देकर अपनी एक पुरानी वाकिफकार औरत के बेटे को 1100 रुपए की नौकरी दिलवाई, और तू मेरा तो कर्जा दे नहीं सकता। तू बेटे को नौकरी कैसे दिलवाएगा? मेरी जबान है काली, तेरे बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी। ना जी ना, मुझे ऐसी बद्दुआ ना दे मुझे। तो और क्या दुआ दूं कि खुदा तुझे भी मेरे बराबर का कर दे? अरे बेवकूफ, कभी किसी अमीर ने किसी गरीब को दुआ दी है? सोचिए रईस साहब, हमारा आपका मुद्दतों का साथ है, आप मेरे दुख में काम आए, मैं हुजूर की खुशियों में शरीक हुआ, हमने शबरातें इकट्ठे मनाई, ईदें साथ पढ़ी। अगर ये सब कुछ भूलकर मुझे आप यहां से जाने को कहेंगे तो मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहां जाऊंगा? यह तो वाकई सोचने वाली बात है। तूने मेरे कलेजे को हाथ डाल दिया। तू इधर आकर मेरी बात सुन ले, सुन ले मेरे भैया। आजा 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 आजा। भाई रहमत अली, तू है इज्जतदार आदमी, उम्र भी हो गई है तेरी ज्यादा, तेरा किसी वक्त मुंह ऊपर से टिकट आ सकता है। इस वास्ते बच्ची के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ले, और कमाल यह है तुझे रिश्ता ढूंढने ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। चौधरी साहब, इस तरह जबान ना फेरो, लगता है कुत्ता शहद चाट रहा है। मेरा मतलब है रहमत अली के कान में क्या कह दिया कि फेरू पड़ा? अरे कहा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कहा है कि मैं तेरा जवाई बन के आ जाऊं। बात मामूली थी पर असरात बड़े बुरे निकले। रहमत अली, रहमत अली यार, इस गांव से मुद्दतों की सांस छोड़ के जा रहा है। जहां जमीन तंग हो जाए, जहां दुश्मन जीना मुश्किल करते हैं, वहां से हिजरत करना सुन्नत है भाई। शहर अपने बेटे के पास जाकर नई जिंदगी शुरू करूंगा। शहर जाके राजू का पता भी करना। नाम न लेना, उस खोटे सिक्के का मेरे सामने। वो खोटा सिक्का यहाँ होता तो रईस तुझे निकाल नहीं सकता था। रईस ने चाल चली,
और राजू को पहले तेरी नजरों से गिराया। नशा राजू ने नहीं किया था, रईस ने उसे धोखे से नशा करवाया था। मैं सच कह रहा हूं रहमत अली, ये सब कुछ मुझे मुंशी ने बताया है। राजू पीतल नहीं सोना था, मैं दुश्मन की बातों में आके बेटे को पहचान नहीं सका। मैंने ये क्या सुन किया? गांव वालों ने शहर का रुख कर लिया, गांव की आबादी घटती जा रही है और शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। तू भी आ गए बाबा जी, मुझे सच इतनी छत और भूख जितनी रोटी चाहिए, आप उसका इंतजाम कर दें। आपका जो भी खर्च होगा, जब मैं कमाऊंगा ना तो आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। बेटा अकाउंट तो अमीरों के अलग अलग होते हैं, गरीब की भूख प्यास और जेब एक होती है। तू कोई फिक्र ना कर, मैं यहाँ तेरा सारा इंतजाम कर दूंगा और कल जिस मिल में मैं मजदूरी करता हूँ उस मिल में तुझे नौकरी भी दिलवा दूंगा। बाबा जी मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भुला सकूंगा, सारी जिंदगी। बाबा जी नासिर पहले यही रहता था, अभी कुछ दिनों में चला गया है। कुछ पता है वो कहाँ गया है? बड़ा पुरसरार सा आदमी था बाबा जी, न किसी से दिल की कहता था और न किसी की सुनता था, पता नहीं कहाँ गया है। आओ यार चले चलो। यहाँ बैठ गए हो अब्बा जी? पीछे जा नहीं सकते, ये तो पता है, आगे कहां जाना है ये पता नहीं। हिम्मत करो अब्बा जी, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, भाईजान से मुलाकात भी हो ही जाएगी। पता नहीं तकदीर हमें कहां ले जाना चाहती है। रुकना ठीक नहीं, सड़क एक गरीब को सड़क पर गिरा कर जाना ठीक है? गाड़ी पीछे लो। माफ करना बाबा जी, आपको तो बड़ी चोट लगी है, चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलिए। ना बेटा ना, मैं ठीक हूँ। नहीं बाबा जी आपको चलना पड़ेगा, चलिए पट्टी करानी है, चलिए आओ ना, चलिए आए। अंदर आए ना बाबा जी, आए आइए, आए ना बाबा जी। बाबा जी आए बैठे। जख्म लगा था, मरहम लग गया है काफी, ये उससे करके अपने घर क्यों नहीं आए हो बेटा? नहीं बाबा जी आप अपने तो नहीं, पता नहीं क्यों अच्छे लगे हैं, पता नहीं क्यों दिल करता है ये घर आपकी थोड़ी सी खिदमत करे। हाँ सर मैं आपको अपने शोहर से मिलाती हूँ। अक्बर जी साहब आ गए हैं? साहब अपने कमरे में हैं। ठीक है, खैर आप बैठे बाबा जी, मैं अपने शोहर को लेकर आती हूँ। हेलो, ये पार्टी अब खत्म हुई? ओ जान मैंने तो बहुत पहले आ जाना था, पर रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? तुम तो ठीक नजर आ रही, पर उम्मीद है गाड़ी भी बच गई होगी। ओहो गाड़ी तो बच गई है, बस एक बुजुर्ग को चोट आई थी, मैं उनको अपने साथ हॉस्पिटल ले गई और पट्टी करवा के साथ ही ले आई हूँ। इसकी क्या जरूरत थी, पता नहीं कौन है? एक बाप है और बेटे की तलाश में आया है। माशाल्लाह, और मुझे पता है
कि तुमने उसको बेटा ढूंढकर देने का वादा भी कर लिया होगा। वाह, तुम्हारी हमदर्दियों ने तो मार दिया हमको। नासिर, इतनी सी हमदर्दी इंसान में होनी चाहिए? ओ छोड़ो भाई, बंदे को 200-400 रुपए दे के वहीं पे टाल देना था। ओहो, उसके साथ उसकी जवान बेटी भी है। अच्छा, तो वो अकेला नहीं, उसके साथ एक मुसीबत भी ले आई? ओहो, उन्हें सड़कों पर अकेला छोड़ा थी। ये तुम कर सकते हो, मैं नहीं। चलाओ तुम्हें उनसे मिलाओ। मैं क्यों मिलूं भाई, क्या हर्ज है? नहीं नहीं, मैं नहीं मिलता। तेरी बीवी से उन्हें दर्द मिला है और तुमसे थोड़ा हौसला मिलेगा। आना मेरी खातिर। अच्छा चलो फिर, तुम्हारी खातिर मिल लेता हूँ। आओ ना। ओहो, आ तो रहा, इतनी क्या जल्दी है? बाबा जी, ये है मेरे शोहर। भाईजान, कमाल है ये, आपको जानते हैं? हाँ हाँ, ये मेरे गांव के। शुक्र कर राबिया, साहब ने हमें पहचान लिया है। हम इनके गांव के हैं बेगम साहब। कितना बड़ी खुशी की बात है। अजीब इत्तेफाक है, आपका मेरे साथ हादसा होना था और इनकी आपके साथ मुलाकात। बाबा जी, आप इनके गांव में काम क्या करते हैं? मांझी हूं बेटा, पौधे लगाना, पानी देना और उनके फलने फूलने की दुआ मांगना, यही काम है मेरा। बाबा जी, आप जो कुछ भी हैं, मेरे ससुराल के हैं और ससुराल के बुजुर्ग सुसर होते हैं। नहीं, सुसर ना बनाना। अगर मैं सुसर बन गया तो तुम्हारे साहब को मुझे बाप कहना पड़ेगा। कहें तो ये आपको अभी बाप कह दे? कहने और होने में बड़ा फर्क होता है बेगम साहबा। बाप हो तो बेटा सीने से अलगता है, कह के बना हुआ बाप आंखों के पानी के साथ बह जाता है। तुम्हारे शौहर से मिलकर बहुत खुशी हुई है, अब जाने दो। ठहरे बाबा जी, रात है, जवान बेटी का साथ है, शहर अजनबी और आप अकेले हैं। और तो मैं हो गया। इन्होंने कहा था शहर बेटा ढूंढने आए। आया ढूंढने था, लेकिन अब तो उसका पता भी गवा बैठा हूं। अब जाएंगे कहां? बेटे का पता गुम हो जाए तो बाप बेचेहरा हो जाता है। चेहरों के हुजूम में गुम हो जाऊंगा, ना मुझे दुनिया पहचानेगी ना मैं अपने आप को पहचानूंगा। बाबा जी, इस घर को अपनी पहचान बनाए, आप माली हैं और इस घर का गुलशन संभाले, जो आपसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता, क्यों ना सिर? हाँ हाँ। बाबा जी, चलिए आपको क्वार्टर में छोड़ा हूं। चला राबिया। तुमने गुंडा टैक्स दिल से इनकार क्यों किया है? तुम्हारे अंदर बगावत के जरासीम कहां से आए हैं? बताओ, तुम्हें सर उठाने की जुट किसने दी है? मैंने दी है। अरे तुझे जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए और इन मजदूरों को मेरे पेट पर लगमाने की पट्टी बढ़ा दी है, क्यों? वो क्यों? इसलिए कि ये तनख्वाह अपने खून पसीने की लेते हैं और तुम इसे टैक्स काहे का लेते हो? गुंडा होने का। तो फिर याद रखो, आज के बाद कोई भी मजदूर अपनी रोटी का टुकड़ा तोड़कर तेरे आगे नहीं डालेगा। तू यूनियन का लीडर है या इन मजदूरों का मामा? ये मिल में मजदूरी करेंगे तो टैक्स जरूर देंगे, और टैक्स तू भी देगा और तेरा बाप भी देगा। बापू से तो बाद में वसूल करना बलवान जी, पहले मेरे से तो वसूल कर लो। ये लो अपनी पहली किस्त।
नहीं, मजदूरों के हाथ जिंदाबाद, मेहनत और ईमान जिंदाबाद, और मजदूरों का इतिहास जिंदाबाद। कि तुझे सारा जान सलाम करे, मैं तुझे सलाम करूं तो इस तरह कबूल होनी थी। अरे तेरे लिए मेरे काले सफेद हो गए, तेरी परवरिश मैंने इबादत समझ के की, मैं मर मर के जीता रहा, सामने आया है तो तूने तूने मुझे जीते जी मार दिया। तुम नहीं समझते अब्बा। और क्या समझाएगा मुझे तू? मैं सारे गांव को कहता था कि नासिर मेरा साहब बनेगा, मेरे हालात बदलेगा, ये हालात बदले हैं मेरे, अपने क्वार्टर में मेरे अरमानों की कब्र बना दी है, क्या हालात बदले हैं मेरे। कार बंगला और पैसे पाने के लिए बाप से सिर्फ गांव का रिश्ता रखा है, अरे खून का रिश्ता ही तोड़ दिया। मुझे जो कुछ भी मिला है इसी तरह मिल सकता था। तुम लोग चाहते हो कि मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं, नहीं चाहते हो ना? अरे माँ बाप भी तो नहीं चाहते, बाहिजात माँ बाप की है, ठंड में टिटर कर औलाद को गर्म कपड़े पहनाती है, मुंह का निवाला औलाद के मुंह में डालती है, जिंदगी औलाद पर कुर्बान करके जा कब्र में मुंह छुपाती है। अगर आप लोग मेरा सुख चैन चाहते हैं तो यहां से चले जाएं। अब्बा जी आप नहीं समझते, मैं आपको हर महीने खर्चा भेजूंगा और राबिया की शादी के लिए भी कुछ दूंगा दूंगा। आपको क्या देगा? सदका फितराना या खैरात क्या देगा? सारी जिंदगी तुझे देने वाले ये हाथ तेरे आगे नहीं फैलेंगे। अपनी बीवी की दौलत अपने पास रख, तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बाप हूं। तूने मेरी जिंदगी के 25 साल झील लिए हैं, मगर मेरी हिम्मत नहीं, मैं यहां तेरा मोहताज बनकर नहीं रहूंगा, मैं यहां तेरा मोहताज बनकर नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा मैं। चल राबिया, चल। कमाल है, मैंने तुम्हें सारे घर में तलाश किया और तुम यहाँ हो, इन गरीबों को निकालने आए हो। चांद, तुम्हें गरीबों से इतनी नफरत क्यों है? देखो नासिर, भले तुम्हें बुरा लगे, अब ये यहीं रहेंगे। ना बेटा, मेरे जैसे गरीब मालिका
अमीरों में क्या काम है? पापा जी, मैं आपको माली नहीं सुसर समझती हूँ। और मैंने सुना है गरीब सुसर बहुओं से बेटियों से दुगना प्यार करते हैं। आप यहाँ से नहीं जाएंगे, आपको आपकी बहू की कसम। ठीक है ना? शुक्रिया बाबा जी, चलाना सर। खुदा हाफिज बाबा जी। अब क्या होगा अब्बा? होना क्या है बेटा, होना क्या है? हम बेटियों की मुराद नहीं मांगते, वरना पे मांग मांग कर औलाद से बेटे मांगते। फिर चाहे वली हो या मेरे जैसा रहमत अली, खुदा बेटी के जरिए इम्तहान लेता है, इम्तहान लेता है। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। मेरे साथ बहुत ज्यादा हुई है। हाँ, मेरे पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है। मैनेजर साहब, ये मिल में दंगा फसाद करने वाला गुंडा कौन है? उसको मेरे ऑफिस में भेजिए। बेहतर सर। आपने मुझे बुलाया है साहब? हाँ। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कितनी बड़ी कुर्सी पर कितना छोटा बंदा किसने बिठा दिया है। शट अप, यू शट अप। इज्जत की इस कुर्सी पर बैठकर तुम उनसे कम और मुजरिम ज्यादा लगता है। चोर से मजदूर तो तू बन ही गया है, मगर ये नहीं सोचा था कि इतना बदतमीज हो जाएगा। मैं चोर नहीं था, पर मुझ पर चोरी का इल्जाम मेरी करीबी ने लगाया है। लेकिन सबसे बड़ा चोर तो तू है, बाप की मेहनत का चोर, उसकी खासों और उम्मीदों का चोर, खून के रिश्तों से नजर चुराने का चोर। सोने चांदी के चोर को तो सजा इंसान सुनाता है, लेकिन तेरे जैसे चोर को सजा खुद खुदा देता है। इस थप्पड़ को मैं तुम्हारे और अपने कल के रिश्ते का हक समझ के बर्दाश्त करता हूं, लेकिन कल क्या करेगा? कल तू सेठ बन गया है तो मैं मजदूर बनूंगा। अगर तेरे जुल्म के कदम किसी गरीब की तरफ उठे तो मैं दीवार बनूंगा। अगर तूने मजदूरों की छाती की तो मैं हड़ताल करूंगा। अगर तूने पुलिस बुलाई तो मैं हर गोली अपने सीने पे खाऊंगा। अगर बेचैनी किसी मजदूर के घर में आई तो मैं तेरी नींद सुकून और आराम हराम कर दूंगा। हराम। क्यों याद किया है?
मेरा सुख चैन लूटने के लिए हुजूर काफी नहीं थे, अब मेरी परेशानी में इजाफा करने के लिए राजू को मेरे सामने खड़ा कर दिया। राजू कहाँ है वो मेरा छोटा सिक्का, उसके कांधे पर सर रख कर रोने को मेरा बड़ा दिल करता है। मेरी मिल में भर्ती हो गया है, मिल के नजदीक मजदूर बस्ती में रहता है, जाए उसे समझाए मिल छोड़कर चला जाए। मैं आपकी परेशानी समझ गया हूं साथी, आप यही चाहते हैं ना कि किसी को ये ना पता लग जाए एक मिल में एक भाई मजदूर और दूसरा उसका मालिक है। आप फिक्र ना करें, वो परेशान नहीं करेगा आपको, मैं समझाऊंगा उसे, मैं समझाऊंगा। घर से निकाला क्यों था? सीने से भी तो मैं ही लगाने आया हूं ना यार। अब्बा अब्बा मेरे घर आकर तूने मेरे भाव से काटी है ना अब्बा, बैठ ना अब्बा, एक मिनट। बैठ ना अब्बा, बैठ बैठ ना अब्बा। उसका पीछा छोड़ दे राजू। किसका अब्बा? नासिर का। अब्बा तुमसे मिला है? मुझे तो उसने भाई नहीं जाना, तुम्हें बाप माना है? क्यों ना मानता, मैं उसका बाप हूं। मेरी तरफ मुंह करके कहो अब्बा, तू बेशक मुझे ना बता अब्बा, जो बेटा दे क्या है, जो बाप सह क्या है, वो सारे दुख, वो सारे दुख मुझे तेरे चेहरे पे नजर आते हैं। जहां तेरा दिल टूटा है मैं उस महल की ईंट से ईंट बचा दूंगा। नहीं राजू नहीं, तू उसके घर नहीं जाएगा। मैं जरूर जाऊंगा अब्बा। तू नहीं जाएगा, मैं जो कह रहा हूं मैं तेरी बात नहीं मानूंगा अब्बा। तो नासिर के घर की तरफ कदम नहीं उठाएगा, तुझे मेरी कसम है राजू। पापा आज भी बाप नासिर का ही बना है, इसने तेरे खाप पानी करके तेरी आंखों में भर दिए हैं,
ताबीज ना मिली तो क्या हुआ पगले? आप तो मेरा ही है ना? ठीक है अब्बा, पर अब तो यहां से जाएगा नहीं। मैं यहां रह नहीं सकता लजो। कहां जाएगा? नासिर के घर। उस दर पर अपनी नजरों से गिरता भी है, वहां रहता भी है। तुझे क्या मजबूरी है अबा? तकदीर बहू के रूप में आकर मुझे वहां ले गई थी। वो हमारा रिश्ता तो नहीं जानती, पर मुझे अपना ससुर मानकर उसने मुझे वहां रहने की कसम दे दी, जिसे मैं तोड़ नहीं सकता राजू, जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। पापा, पहले बेटा प्यारा था, अब बहू प्यारी हो गई है। मुझे कसम के धागे से बांधकर मार गया है पापा, मार गया है। मैंने सुन लिया है राजू और समझ भी गई हूँ, अब तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। अमेरिका से टेक्सटाइल मिल की मशीनरी तो मैं साथ लेकर आया हूँ। अब नासिर बेटे, तू ये नक्शा देकर मुझे बता, इसमें कोई नक्श तो नहीं? प्यारी, बजाय तो मुझे कोई नक्श नजर नहीं आ रहा। अकबर किधर है? जी वो शाम तक छुट्टी लेकर गया है। ये नया मुलाजिम रखा है, कौन है ये? जी है, मैं साहब के गांव का माली हूँ साथी, बेगम साहबा ने मुझे रखा है। अकेले हो? नहीं साहब जी, एक जवान बेटी भी है। शादीशुदा है? नहीं जी, उसकी शादी करनी है। ठीक है ठीक है, चाय बनाओ। नासिर बेटे, अब हमारी इस मिल की कामयाबी का इन्हिसार तुझ पर है। अगर इसकी प्रोडक्ट A1 हुई तो ये हमारी मुल्क के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी। बदतमीज, ये किस गंवार को मुलाजिम रख लिया है? इसे चाय पकड़ाने की भी तमीज नहीं? चल बोर्ड साफ कर। अच्छा जी। नहीं नहीं डैडी, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? चल बोर्ड साफ कर। चल बाबा, तुम जाओ जाओ। हां नासिर बेटे, तू तो नक्श नहीं पकड़ सका, मगर मैंने पकड़ लिया है। क्या है भाई? ये दीवार, जिस तरह एक गुराब बेटा खानदान के लिए दाव होता है, उसी तरह ये तेरी दीवार भी हमारी मिल के हुस्न में एक बदनुमा दाग है। मगर तो फिक्र न कर, मैं ये दीवार गिरा दूंगा। वापस आ गए हो बा? आज बेटे ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है? सलूक मेरे साथ बेटा नहीं, तकदीर कर रही है। आज तकदीर ने मुझे बेटे के पैरों में बिठा दिया।
जूतों पर चाय गिर पड़ी थी। मैं उसके जूते साफ करके आया हूं। बुरा इसलिए नहीं लगा था कि मुझे उसका बचपन याद आ गया। जब इतना सा होता था उस वक्त तो मैं उसके जूते साफ करके उसके पैरों में पहनाता था। औलाद कितनी भी बड़ी क्यों ना मुझे माँ बाप के आगे तो बड़ी नहीं होती, माँ बाप के आगे बड़ी तो नहीं होती। पापा पापा जी, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, राजिया ने कसम सुन रहा था तो हंसते हंसते आंखों से आंसू निकल आए। अल्लाह करे आप इसी तरह खुश रहें। ये ले, ये राबिया का जोड़ा और ये आपका जोड़ा। परसों मेरी सालगिरह है और आपने ये कपड़े पहनने हैं। अच्छा बाबा जी, खुदा हाफिज। पेट को रोटी तो देती ही थी, आज तन का कपड़ा भी ले आई है। अल्लाह रोज भरी और सर पे सुहाग का साया हमेशा कायम रखे। एक गरीब बाप इस दुआ के अलावा और ये भी चाह सकता है। नासिर, बाकी के मेहमान आ जाए तो केक काटते हैं। हेलो रुखसार, हाय बॉबी। बॉबी अकेली आई है? तूने तो फोन पे कहा था अपने मंगेतर को लेकर आएगी, कहाँ है वो? वो कोई मामूली शख्सियत नहीं। अच्छा, वो इस महफिल को सरप्राइज देगा। पहले तुझे आमद का ऐलान कर, उसका शान शान इस्तकबाल कर। ओके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी जान से प्यारी सहेली के मंगेतर के लिए पुरजोर तालियां। पॉपी, ये तेरा मंगेतर है? हाँ, ये तो चोर है मेरे दिल का। ख्वातीनों हजरात, मेरे मंगेतर ने आज की शाम मेरी सहेली की खुशी के नाम लगाई है। इसने इस शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए एक शानदार गीत तैयार किया है। उस गीत के लिए पुरजोर तालियां। आओ बिग बैंड। इंसान कहाँ, इंसान
इंसान कहा इंसान रहे। हकीकत छुपती नहीं कोई ना समझे मुझे कहनी नहीं। खुशबू और हकीकत छुपती नहीं कोई ना समझे मुझे कहनी नहीं। कुछ लोग उसी पे मरते हैं जो चीज हमेशा रहनी नहीं। वो पागल है कुछ और नहीं वो पागल है कुछ और नहीं। जिन्हें दौलत पर ईमान रहे जिन्हें दौलत पर ईमान रहे जब खून के रिश्ते भूले हो जब खून के रिश्ते भूले हो। इंसान कहाँ इंसान रहे इंसान कहाँ इंसान रहे। कह के बुरा बन जाता हूँ मुझे खोटा टिक्का कहते हैं। सच कह के बुरा बन जाता हूँ मुझे खोटा टिक्का कहते हैं। वो जाने कैसे जिंदा है जो दुख कह कर चुप रहते हैं। हालात की अब ये मर्जी है हालात की अब ये मर्जी है। दिल रोए बंद जुबान रहे दिल रोए बंद जुबान रहे। उसे कोई याद कराएगा उसे कोई याद कराएगा। जो जान के खुद अनजान रहे जो जान के खुद अनजान रहे। जब खून के रिश्ते भूले हो जब खून के रिश्ते भूले हो। इंसान कहाँ इंसान रहे इंसान कहाँ इंसान रहे। नौजवान तुम लोग भी अजीब गाने वाले होते हो। महफिल किसी की हो महफिल में दर्द अपना ले आते हो। आज की इस खूबसूरत रात का पल पल खूबसूरत ये तोहफे खूबसूरत तोहफे देने वाले खूबसूरत। और इतनी सारी खूबसूरतियों में जो एक चीज मुझे खूबसूरत लगी है वो है ये खूबसूरत लड़की। उस गरीब माली की इस गरीब बेटी को जो इस घर की नौकरानी है मैं इसे इस घर की रानी बनाने का ऐलान करता हूं। बेगैरत इंसान जिसको तू गरीब माली की बेटी समझ रहा है
वो दरअसल मेरी बहन है। इसका हाथ छोड़ दे, छोड़ दे वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बंद कर दो ज़बान इस गुस्ताख की। जलील कमीनों, छोड़ दो मुझे। अरे जलील कमजोर, आज भी इन हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं अपनी बेटी की तरफ बढ़ने वाले तेरे नापाक हाथ रोक सकूं। तेरे अंदर जिस गंदे खून में बेगैरती का जोश मारा है, मैं तेरी लगों से वो गंदा खून निकाल लूंगा, निकाल लूंगा, निकाल लूंगा। डैडी, क्या हो गया आपको? पागल तो नहीं हो गए? Shut up! मुझे दौलत ने नहीं मारा, मुझे भी हालात मार गए, मुरव्वत मार गई। तेरी बीवी की चाहत मार गई है। मैं चुप का कफन ओढ़ कर तेरे क्वार्टर के ताबूत में इसलिए नहीं ले गया था कि दौलत मल का गुरूर मेरी इज्जत पर हाथ डाले, मेरे सर पर आसमान तू पड़ाए, तेरे पैरों तले जमीन क्यों नहीं निकली। उसे बाप बराबर न मान, इसे बहन जैसी जाके, पर अपने गांव की इज्जत तो समझ। मेरे गांव की इज्जत के लिए तो लोग जान कुर्बान कर देते हैं, तेरी गैरत को क्या हो गया है? चुप क्यों खड़ा है? बोलता क्यों नहीं? बोल, बोल, बोल। ये नहीं बोलेगा, मेरी दौलत के नीचे दबा हुआ मेरा घर दामाद ये नहीं बोल सकता। ये मेरा गुलाम है और गुलाम सिर्फ सुना करते हैं, बोलते नहीं। हाँ, क्यों बुढ़े, तूने मेरा मुलाजिम होकर मेरे घर में मेरा गरीबान पकड़ा है? हाँ, मैं इस भरी महफिल में तेरी बेटी को बेइज्जत करूंगा। इंसानियत से गिरे इंसान, ये मेरी इज्जत है, ये मेरी गैरत है और ये मेरी बहन है। और भाई के होते कोई शैतान उसकी बहन को बेइज्जत नहीं कर सकता। यही तो मैं सुनना चाहता था। इंसानियत से गिरना मैंने कबूल किया सिर्फ ये जानने के लिए कि दौलत की चमक ने एक भाई की गैरत को सुला दिया है या मार दिया है। सुन, मेरी बेटी रुखसार और तेरी बहन राबिया, ये दोनों मेरे लिए एक हैं, दोनों मेरी बेटियां हैं, बेटियां हैं। तूने किताबें पढ़ी, मैं इंसान पढ़ता हूं। मैं उसी दिन समझ गया था जब तेरे बूटों पर तेरे बाप के हाथों चाय गिरी थी। मैं सिर्फ मौके की तलाश में था कि तुझे इंसानियत के रिश्तों की पहचान करा सकूं। मधु, तू लालच रजी और दौलत की हवस में गर्क रहा। हाँ, मैंने लालच खुदगर्जी और दौलत की हवस के पर्दों के पीछे ये रिश्ते छुपा लिए थे। मेरा कोई नहीं, ये झूठ बोलकर मुझे हर चीज मिली, हर चीज तो मिली पर एक पल का सुकून नहीं मिला। मुझे जो मिला है छीन लो, मुझे जो दिया है दे दो, मगर मेरे रिश्ते, मेरे रिश्ते मुझे वापस कर दो। अब्बा,
मैं तेरी अजमत का मुनकर हुआ। मैंने राजू और राबिया के दिल का खून किया। मैं भटक गया था। मेरा अव्वल और मेरा आखिर तू है अब्बा। अब्बा तू है। मुझे माफ कर दे अब्बा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अब्बा। अगर तू मुझे माफ नहीं कर सकता तो मुझे जान से मार दे, जान से मार दे। मारकर मैं अपना मर जाऊंगा। औलाद चाहे कितनी ही बेइज्जत क्यों ना हो, पर मां बाप की मोहब्बत उनके लिए खत्म नहीं होती। छोटी गलती करते लेकिन बड़े उन्हें माफ कर देते। चला मेरे नासिर को आपकी बात करते सेठ जी। सेठ नहीं, समझी कहो। कभी मैं चाहता था कि अकेला दामाद हो, वो भी घर दामाद, मगर आज एहसास हुआ है कि वो आसमान आसमान ही नहीं जिस पर चांद सितारे ना हो, वो घर घर ही नहीं जिसमें मां बाप बहन भाई के रिश्ते ना हो, और वो रिश्ते रिश्ते ही नहीं जिनमें मोहब्बत का इंसानियत ना हो। अब्बा तूफान भाभी मेरे नासिर जैसे बच्चों, याद रखो जो सुलूक तुम अपने वालदैन के साथ करोगे वही सुलूक तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। यही दुनिया का दस्तूर है।